नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतीक अग्रवाल, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, आयुष्मान आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम शतावरी के विषय में चर्चा करेंगे। शतावरी के विषय में ज़्यादातर लोग जानते हैं कि एक ऐसी औषधि है जो महिलाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, विशेष रूप से वे महिलाएं जो अपने नवजात शिशुओं को स्तनपान कराती हैं यानी दूध पिलाती हैं, उन महिलाओं के लिए शतावरी का बहुत विशेष प्रयोग है। परंतु मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि शतावरी एक ऐसी औषधि है, एक ऐसी जड़ी बूटी है जो सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है, चाहे वह महिला हो, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह बच्चे हो और चाहे वह बुजुर्ग हो। तो आज के इस वीडियो में आपको शतावरी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। शतावरी किन किन रोगों में प्रयोग की जाती है, शतावरी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए और शतावरी का प्रयोग कब नहीं करना चाहिए, यह सभी जानकारी के लिए यह वीडियो अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि शतावरी कैसी होती है। तो शतावरी कुछ इस तरह की बाजार में पंसारी के यहाँ मिल जाती है। यह मूल होती है शतावरी का, जो पौधा होता है उसकी जड़ के जड़ इस तरह की सूख के आपको बाजार में यह मिल जाती है। शतावरी का चूर्ण भी आपको बाजार में आसानी से उपलब्ध रहेगा। इसको शतावरी, शतवीर्या, शतमूली, शतावर आदि नामों से जाना जाता है। इसका लैटिन नेम एस्पेरेगस रेसिमोसस है। आचार्य चरक ने शतावरी की गणना बल्य औषधियों में की है, व्यवस्थापन औषधियों में की है। अब आप कहेंगे ये बल्य औषधियाँ क्या होती हैं? तो ऐसी औषधियाँ जो शरीर को ताकत प्रदान करने वाली हों, शरीर को स्टेमिना प्रदान करने वाली हों, शरीर को बल प्रदान करने वाली हों, उन औषधियों को बल्य औषधि कहा जाता है। और व्यवस्थापन औषधि ऐसी औषधि होती हैं जो आपकी उम्र को बढ़ने से रोकती हैं, यानी एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करती हैं, आपकी उम्र को घटाती हैं, यानी आपकी उम्र को स्थिरता प्रदान करती हैं, बढ़ने से रोकती हैं। तो ऐसी औषधि व्यवस्थापन औषधि कही जाती हैं। इसके साथ ही शतावरी एक उत्कृष्ट रसायन औषधि है, यानी यह रसायन का भी कार्य करती है। अब मैं आपको शतावरी के गुण के विषय में बता देता हूं। तो शतावरी गुरु है, स्निग्ध है और मृदु है, यानी शतावरी पचने में भारी होती है, देर से पचती है, शरीर में स्निग्धता लाती है, शरीर में चिकनापन लाती है और शरीर में कोमलता लाने का कार्य शतावरी करती है। यह स्वाद में मधुर और तिक्त है, यानी यह स्वाद में मीठी होती है और कड़वी होती है। यह शीतवीर्य औषधि है, यानी इसकी तासीर ठंडी होती है और इसी कारण से वात दोष का और पित्त दोष का शमन करने वाली है, यानी वे लोग जो लोग वात दोष जन्य रोगों से ग्रस्त हैं और पित्त दोष जन्य रोगों से ग्रस्त हैं, उन लोगों के लिए यह विशेष रूप से अनुकूल है। यानी वे लोग जो अत्यंत दुबले पतले हों, स्वभाव से गर्म स्वभाव के हों, शीघ्र ही उत्तेजित हो जाने वाले हों, जल्दी जल्दी कार्य करने वाले लोग हों, उन लोगों के लिए शतावरी बहुत ही उत्तम औषधि है। जो बच्चे 5 वर्ष के, 8 वर्ष के हों और अत्यंत दुबले पतले हों, उन बच्चों के लिए भी शतावरी का विशेष रूप से प्रयोग बताया गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ शतावरी का प्रयोग किन किन रोगों में करना चाहिए। तो सर्वप्रथम बताया गया है शतावरी मेद्य औषधि है, यानी वे लोग जिन लोगों को भूलने की आदत हो, उन लोगों के लिए शतावरी बहुत ही उत्तम औषधि है। जो लोग अपना पाठ याद करके भूल जाते हों, हर समय नर्वस रहते हों, मानसिक तनाव से ग्रस्त हों, नींद पूरी नहीं आती हो, उन लोगों के लिए शतावरी बहुत ही उत्तम औषधि है। शतावरी मस्तिष्क को ताकत प्रदान करने वाली औषधि है, यह आपके दिमाग को ताकत देने वाली औषधि है। इसके साथ ही शतावरी को वेदना स्थापक बताया गया है, यानी जिन लोगों के सिर में दर्द रहता हो, जो माइग्रेन से पीड़ित हो, सिर हर समय गर्म सा लगता हो, उन लोगों के लिए शतावरी विशेष रूप से अनुकूल रहती है। इसके अलावा शतावरी पाचन संस्थान के रोगों में भी उपयोगी है। जैसा कि मैंने बताया शतावरी पित्त शामक है, जिन लोगों को अम्ल पित्त रहता हो, एसिडिटी की शिकायत हो, पेट में दर्द रहता हो, उन लोगों के लिए भी शतावरी विशेष रूप से अच्छी औषधि है। इसके अलावा शतावरी मल को बांधने का कार्य करती है, शतावरी ग्राही औषधि है। तो जिन लोगों को चिपचिपा मल आता हो, पतला मल आता हो, उन लोगों के लिए भी शतावरी विशेष रूप से उपयोगी है। शतावरी हृदय को ताकत प्रदान करने वाली औषधि है, यह हृदय को भी ताकत प्रदान करती है और आपके ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करने में सहायक होती है। इसके अलावा शतावरी प्रजनन संस्थान के रोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। महिलाओं में तो इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, महिलाओं के लिए यह स्तन्य जनन का कार्य करती है, यानी वे महिलाएं जो अपने नवजात शिशुओं को
स्तनपान कराती हैं, दूध पिलाती हैं, उनके लिए यह बहुत ही विशेष उपयोगी औषधि है। शतावरी के प्रयोग से दूध अच्छी मात्रा में आता है, प्रचुर मात्रा में आता है, जिससे बच्चे को संपूर्ण पोषण प्राप्त होता है। इसके इसी गुण के कारण मैं आपको बता देता हूँ, शतावरी का प्रयोग दूध देने वाली गायों में, दूध देने वाली भैंसों में भी किया जाता है, जिससे उनके दूध की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा शतावरी पुरुष रोगों में भी विशेष रूप से उपयोगी है। शतावरी विशेष रूप से शुक्र धातु का पोषण करती है, तो जिन लोगों का शुक्र क्षय हो गया हो, धातु क्षय हो गया हो, उन लोगों के लिए शतावरी विशेष रूप से उपयोगी है। जिन पुरुषों को गलत आदतों के कारण, अधिक हस्त मैथुन करने के कारण वीर्य क्षय हो जाता है, उन पुरुषों के लिए भी शतावरी एक विशेष रूप से वरदान है, उन पुरुषों के लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि है। इसके अलावा शतावरी आपकी हड्डियों को भी ताकत प्रदान करती है। शतावरी में विटामिन के पाया जाता है। विटामिन के ही आपके शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है, जिसके कारण ही आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। इसके अलावा शतावरी में काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर में भी वृद्धि होती है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, इसी कारण से शतावरी आपकी उम्र को स्थिरता प्रदान करती है, आयु को बढ़ने से रोकती है। तो शतावरी के मैंने आपको इतने सारे फायदे बताए, तो क्या सभी लोग शतावरी का सेवन कर सकते हैं? क्या सभी लोगों के लिए शतावरी बहुत ही अच्छी है? तो ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि शतावरी का प्रयोग किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोग जिन लोगों का कफ बढ़ा हुआ हो, जो लोग कफ दोष से पीड़ित हों, जिनकी मेद धातु बढ़ी हुई हो, जो लोग मोटापे से ग्रस्त हों, जिनकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो, यानी जो लोग आराम पसंद करते हों और आराम से रहते हों, उन लोगों के लिए शतावरी का प्रयोग वर्जित है, यानी उन लोगों को शतावरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शतावरी एक कफ वर्धक औषधि है, तो जो लोग भी कफ के दोष से परेशान हैं, जिन लोगों का कफ बढ़ा हुआ हो, उन लोगों को शतावरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि शतावरी का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है। तो शतावरी के प्रयोग का सबसे अच्छा तरीका और सबसे सरल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको एक गिलास गर्म दूध लेना है और उसमें एक चम्मच यानी 5 ग्राम शतावरी का चूर्ण मिला लेना है, और इसे सुबह शाम नाश्ते के बाद या खाने के बाद इसका आप सेवन नित्य प्रतिदिन करें। इस प्रकार लगातार शतावरी का सेवन करने से आपको शतावरी सेवन के सभी फायदे प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, अगर शतावरी के विषय में यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर यदि आप आयुर्वेद संबंधित जानकारी निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं, लगातार प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।